हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ दिस ग्लिटरी ऑरेंज आई मेकअप लुक विद स्मोकी विंग्ड आईलाइनर। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो हाउ टू गेट दिस आई मेकअप लुक, देन कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो कीजिए इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसको क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं आई शेडो पैलेट के लिए यूज़ कर रही हूँ निका के ऑटम स्पाइस आई शेडो पैलेट। तो ये बहुत ही अच्छा एक आई शेडो पैलेट है। सबसे पहले मैं येलो शेड को क्रीज पे अप्लाई करूँगी एंड देन मैं ऑरेंज शेड को फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से क्रीज पे डिपॉजिट करूँगी जस्ट थोड़ा सा येलो शेड से नीचे, और अच्छे से ब्लेंड करते रहूँगी इसको। सो तब तक ब्लेंड करना है जब तक कि ना आपको डिज़ायर कलर मिल जाए। नेक्स्ट मैं मेबलिन जेल आईलाइनर अप्लाई करूँगी अपने लैशेस के क्लोज। यहाँ पे मैं रफली एक लाइनर ड्रॉ करूंगी। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिसाइज ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वी आर गोइंग टू स्मज इट। सो सबसे पहले मैं इसको अप्लाई कर लूँगी। एंड देन मैं कलर वर का स्मजिंग ब्रश के हेल्प से विंग्ड आईलाइनर को स्मज कर लूँगी। आपको बहुत जल्दी स्मज करना है, अदरवाइज ये सेट हो जाने पे स्मज प्रूफ हो जाता है। सो दैट्स वाई थोड़ा जल्दी काम करना है। एंड देन मैं ब्राउन शेड को अप्लाई करूंगी जस्ट काजल के थोड़ा सा ऊपर में, थोड़ा सा यू नो ट्रांजिशन काइंड ऑफ, मतलब ऑरेंज कलर में जाने से पहले ब्राउन शेड को अप्लाई करूंगी। सो अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी काजल को ऑरेंज शेड के साथ विद द हेल्प ऑफ ब्राउन शेड। एंड देन मैं अगेन काजल को अप्लाई करूंगी अपने लैश लाइन के क्लोज, क्योंकि फेड हो गया था लाइनर। एंड देन मैं ग्लिटर के लिए ऑरेंज ग्लिटर को अप्लाई करूँगी। सो आप यहाँ पे देख सकते हो मैं विंग्ड आईलाइनर के ऊपर नहीं अप्लाई कर रही हूँ, मैं ओनली अपने मिड आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ एवर विंग्ड आईलाइनर, बिकॉज मैं स्मोकीनेस दिखे अपने आईज पे ऐसा करना चाहती हूँ। सो जो भी ग्लिटर आ गया है आईलाइनर के ऊपर वो मैं सेम स्मजिंग ब्रश के हेल्प से रिमूव कर दूँगी ताकि जो स्मोकी विंग्ड आईलाइनर है वो दिखे अच्छे से। नेक्स्ट मैं काजल के लिए यूज़ कर रही हूँ प्लम का काजल, ये ब्लैक शेड में है और इसको मैं वाटर लाइन पे थिक अप्लाई करूँगी। एंड देन मैं सेम ब्राउन शेड को स्मजिंग ब्रश के हेल्प से लेके काजल को स्मज कर लूँगी। सो लोअर लैशेस को मैं थोड़ा सा स्मोक आउट दिखाऊंगी, इससे आई मेकअप बैलेंस लगेगा। नेक्स्ट मैं ऑरेंज शेड को अप्लाई करूंगी लोअर लैश लाइन के क्लोज। सिल्वर शेड के हेल्प से ब्राउ बोन को एंड इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लूंगी। सो इससे ब्राउ बोन बहुत क्लीन लगता है और बहुत ब्यूटीफुल लगता है आई मेकअप। इनर कॉर्नर को हाईलाइट करना मत भूलिएगा गाइस। सो इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने से आई मेकअप बहुत अच्छे से पॉप होता है। नेक्स्ट मैं मस्कारा के लिए यूज़ कर रही हूँ मेबलिन लेस सेंसेशनल मस्कारा। सो इसका सबसे मैं अपर लैशेस एंड लोअर लैशेस को कोट कर लूँगी अच्छे से। ये मस्कारा बहुत अच्छा है एंड दिस इज़ द फाइनल लुक गाइस। मैंने फॉल्स आईलैशेस भी अप्लाई किया है। सो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा लग रहा है आपको ये आई मेकअप लुक, और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर नए हो तो, और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सो मैं आपसे मिलूंगी फिर से न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।